गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो कैसे, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ जीशो को सबसे पहले तो ऑन, ठीक है। ओके, मैंने जीशो ऑन कर लिया है। अब देखो आगे क्या बोलता है मेरा फोन। ये क्या है, सीक्रेट एप्लीकेशन तो भी कोई है ऐसा नहीं है। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा, देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है ये। Contacts. Secret application. Secret application. Secret application. Fingerprint icon. Okay. Don't touch me text box. Oh, एक मिनट. Back button. Oh, ये. Send button. अब आप लगा सकते हो. Don't touch me. Front click. Copy. Top attach button. Back button. आप अंदाजा लगा सकते हो. फिर से इस एप्लीकेशन में बैक करते हैं. फिर से मैं बैक हुआ. फिर से इस एप्लीकेशन में जाता हूँ. देखो. Bay. Camera. Home button. Tuesday, phone secret application. है ना? Facebook secret application. चलो क्लिक करते हैं secret application, कौन सा इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? Application icon. Flag. It flag. Dill does default. Dill does rose. Row. Line. G1. Line tech family button. Back button. ये तो ग्रुप के नाम आ रहे हैं। System launcher. ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। Facebook secret application. अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। Tuesday, 05 with Mute Cap to No Gallery Themes Assist Google. इस एप्लीकेशन पर क्लिक करना मना है। देखो क्या बोल रहा है गाइस, सुन लीजिए फिर से। Assist. इस एप्लीकेशन पर क्लिक करना मना है। क्लिक करते क्या है? एप्लीकेशन आइकन। New High Speed Adobe Scan. PDF Scanner. Install. Expand button. Secret application 6160 message expand button. पूरा नाम ही चेंज कर दिया मैंने एप्लीकेशन का। High speed Adobe scan. Some battery exhaust show notes signed in as grandma bison promote 0-3. अब आपने पता लगा लिया होगा ये है प्ले स्टोर। और जो home button system home ये वाला देखो Tuesday phone call secret application. Secret application ये है WhatsApp। तो इन एप्लीकेशंस का मैंने नाम चेंज किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आपने देखना स्टार्ट किए हो टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। दोस्तों के साथ लाइक मत कीजिए, शेयर कीजिए और खुद लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आज की जो वीडियो है ये खास करके कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूजर्स के लिए है, ठीक है, जो जीशो यूज करते हैं उन लोगों के लिए है। आप जो अनएक्सेसिबल है उसको एक्सेसिबल बना सकते हो गाइस। वो कैसे मैं बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने सुने होंगे एप्लीकेशन का नाम ही चेंज कर दिया मैंने, जो व्हाट्सएप था वहाँ पे क्या किया मैंने, 900 सीक्रेट एप्लीकेशन। सीक्रेट एप्लीकेशन प्ले स्टोर का नाम क्या किया मैंने, आपने देखे होंगे। तो इसी तरह आप भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने फोन को। और इतना ही नहीं तो कुछ एप्लीकेशन होते हैं वो अनएक्सेसिबल होते हैं, उनको एक्सेसिबल बना सकते हो। अच्छा तो ऐसा भी होता है क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। जो भी ऑप्शन है वो बोलता नहीं आपका टॉप है, उसको रीड नहीं करता, तो आप रीड करवा सकते हो, है ना। जैसे कि बहुत सारे अनलेबल मतलब जिसो के साथ तो कुछ बोलता ही नहीं कुछ, है ना, ऑप्शन होते हैं एप्लीकेशन में। तो आप चाहते हो कि वो बोले तो आप कर सकते हो, वो भी कस्टमाइज कर सकते हो उस ऑप्शन को क्या बोलना चाहिए, ये सब कुछ आप कर सकते हो। कैसे, चले चलते सबसे पहले हम जीशो में, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम कस्टमाइज किस एप्लीकेशन को करेंगे, हम करेंगे 900 फेसबुक मैसेजेस सेटिंग्स 200 फ्रॉम यूट्यूब। चलो यूट्यूब को कस्टमाइज करते हैं, एक मिनट, नहीं चलो इंस्टाग्राम को, ठीक है। तो इंस्टाग्राम मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम को बोले डोंट टच मी, ठीक है, मान के चलो जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम को कॉपी कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आप लोग ये सेटिंग करते समय जीशो उपयोग करना चाहिए, जीशो आप यूज करोगे तभी ये हो पाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम को मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले जिस भी एप्लीकेशन को या एप्लीकेशन में जो भी ऑप्शन है, ठीक है, जिसको आप कस्टमाइज करना चाहते हो उसको कॉपी करना है सिंपल सा, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन का ही नाम चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, इसलिए मैं इंस्टाग्राम को कॉपी करूंगा, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम में के जो स्टोरी का ऑप्शन होता है, इस आप बोलते हो कि आप मतलब चाहते हो कि
इंस्टाग्राम जो स्टोरी होती है उसको स्टोरी ना बोल के स्टेटस बोले, इंस्टाग्राम स्टेटस ऐसा बोले, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि इंस्टाग्राम में जाके उसके स्टोरी को कॉपी करना होगा, इंस्टाग्राम को कॉपी नहीं करना होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी एप्लीकेशन का कोई भी ऑप्शन जो है कस्टमाइज कर सकते हो, या कोई एप्लीकेशन का नाम भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टाग्राम को कॉपी करता हूँ। ओके, मैंने कॉपी किया, अब आपको जाना है गाइस जीसू में। ठीक है, अब जीसू में चलते, देखिए कमाल। तो देखिए यहाँ पे होम बटन, सिस्टम लॉन्च होम बटन, चलो जीसू में चलते हैं। तो आपको जीसू में चले जाना है सबसे पहले, तो गाइस और आजकल जीसू होम स्क्रीन पर शो नहीं होता। ठीक है, आपके मैनेजर आप में मिलेगा अगर आप क्लियर डेटा वगैरह करना चाहते हो तो। लेकिन आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ, आप मेन मेन्यू ओपन करके जीसू सेटिंग पे क्लिक करोगे आपका जीसू ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं सेटिंग से चलता हूँ जीसू में, सेफ्टी एडिशनल सेटिंग्स, क्योंकि मैंने वो मेरे से ओपन नहीं हो रहा है कुछ रीजन की वजह से। ठीक है, जीसू सेटिंग ओपन नहीं हो रही, इसलिए मैं एक्सेसिबिलिटी से उसको जीसू को ऑन करूंगा, मतलब जीसू को ओपन करूंगा। Back need other set enterprise second space memory floating special feed screen with clear speak one handed gesture short accessibility accessibility में चलते हैं। Back select vision vision में चलते हैं। Vision ध्यान रहे जो लोग जीसो लाइट यूज करते हैं वो लोग जो है डाउनलोडेड सर्विसेज जो भी होता है एक्सेसिबिलिटी में वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, लेकिन जो लोग जीसो प्लस यूज करते हैं वो लोग विजन में जाइए। ठीक है, hearing physics screen talk back off slip off Jisoo Plus on. Jisoo Plus, ठीक है, तो Jisoo Plus के सेटिंग में मैं चलता हूँ। Jisoo Back on the options. Jisoo Plus shortcuts on shortcut set settings. सेटिंग में जाऊँगा, Jisoo ओपन हो जाएगा मेरा। Alert. तो गाइस आप ऐसे मेन मेन्यू ओपन करके भी स्वाइप डाउन एंड राइट करके भी जो वहाँ पे मेन मेन्यू ओपन होता है वो जो पहले प्रोग्राम सेटिंग बोल रहा था अब जीसो सेटिंग बोल रहा है। ठीक है, तो जीसो सेटिंग पे क्लिक करोगे तो इसे आपका जीसो ओपन हो जाएगा। ओके, इसको मैं कट कर दिया, कॉल आ रहा था किसी का पता नहीं। ठीक है, तो मैं बता रहा था गाइस आपको कि आप लोग जो है सेटिंग में ना जाते हुए आप मेन मेन्यू से भी जीसो ओपन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको जीसो एप्लीकेशन ओपन करना है। ठीक है, मेरे इसमें हो नहीं रहा था इसलिए मैं सेटिंग से मतलब जीसो को ओपन किया। ठीक है, तो आपको इतना जाने का जरूरत नहीं है, आप जीसो ओपन कीजिए। जीसो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जीसो प्लस आगे 20 million to जीसो ईमेल, जीसो ईमेल जनरल सेटिंग, जनरल सेटिंग टीटीएस सेटिंग, टीटीएस सेटिंग फीडबैक सेटिंग, आगे जाना है ऑपरेशन सेटिंग, और आगे रीडिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग। तो आपको रीडिंग सेटिंग पे क्लिक करना है गाइस। ठीक है, तो मैं रीडिंग सेटिंग पे क्लिक करूंगा, रीडिंग सेटिंग्स। ठीक है, मैं अभी जीसो यूज कर रहा हूँ। आप ये लोग मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि टॉकबैक क्या हो जा रही है, क्योंकि मैंने टॉकबैक की साउंड थीम रखा है। ठीक है, जीसो में मेरा जीसो अभी एक्टिवेट है, मतलब ऑन है जीसो। ठीक है, तो रीडिंग सेटिंग में मैं आ चुका हूँ, अब आपको आगे सेलेक्ट करना है। देखो ये इस पे क्लिक करना है आपको, फिर से सुन लीजिए, कस्टम लेबल एंड एलियस सेटिंग्स, कस्टम लेबल, कस्टम लेबल एंड एलियस सेटिंग्स। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, कस्टम लेबल एंड एलियस सेटिंग्स। ओके, मैंने क्लिक किया, अब आपको क्या करना है कि आगे राइट सेलेक्ट करना है, कस्टम चेक न्यूज क्लाउड लेबल्स यू आर नॉट लॉग्ड एंड अनअवेलेबल। ये चेक है तो इनको चेक ही रहने दीजिए, अगर अनचेक है तो चेक कर लीजिएगा सभी ऑप्शन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आगे। Check news, custom, no aliases. ओके, इस पे भी चेक ही रहने देना है, aliases manager. ओके, आगे Check news, the user dictionary. ये गाइस आपके पास अनचेक होगा तो इसको सबसे पहले चेक करोगे तभी सारे मतलब जो भी कस्टमाइज करोगे वो वर्क करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर से इस ऑप्शन का नाम सुन लीजिए, Check news, the user dictionary. चेक चेक यूज डिक्शनरी करके जो ऑप्शन है इसको चेक कर लेना है। ठीक है, अगर अनचेक है तो ये चेक रहना जरूरी है, उसके बाद ही वर्क करेगा। ठीक है, आगे चेक न्यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर डिक्शनरी रिप्लेसमेंट्स, इसको भी चेक रहने देना है, इसको अनचेक नहीं करना है। आगे यूजर डिक्शनरी सेटिंग्स, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है,
फिर से सुन लीजिए, यूजर डिक्शनरी सेटिंग, तो इस पे क्लिक कर देना आपको। तो इस पे मैं अब क्लिक करता हूँ यूजर डिक्शनरी सेटिंग पे। ओके, यूजर डिक्शनरी सेटिंग पे क्लिक किया, अब आगे यूजर डिक्शनरी सेटिंग्स ऐड। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड, ठीक है, फिर से सुन लीजिए ऐड। तो आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कुछ एप्लीकेशन या कुछ ऑप्शन ऐसे है जो कस्टमाइज कर रखे हो तो इसके आगे आपको मिल जाएंगे सीक्रेट एप्लीकेशन। सीक्रेट एप्लीकेशन जो मैंने व्हाट्सएप को नाम मतलब रीनेम किया है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को सीक्रेट एप्लीकेशन नाम दे दिया है। इस एप्लीकेशन पर क्लिक करना मना है, ठीक है। तो इसके आगे ये मतलब ये जो अगर आपने कुछ कस्टमाइजेशन कर रखे हो कुछ एप्लीकेशन या कुछ ऑप्शन को तो मिल जाएंगे आपको आगे, ठीक है। सीक्रेट ऐड ऐड, अब ऐड ऑप्शन यहाँ पे देखो, जैसे आप यूजर डिक्शनरी सेटिंग पे क्लिक करोगे आगे ऐड का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐड पे क्लिक करना है कोई भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो, ठीक है। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ यूजर ऐड ऐड, एंटर कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब देखो यहाँ पे एंटर कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, फिर से सुन लीजिए, एंटर कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, एंटर कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एडिटिंग। तो इस पे क्लिक कर देना है सिंपल सा। ओके, क्लिक किए, देखो कीबोर्ड ओपन हो चुका है, डिलीट। ओके, ठीक है। तो अब हमने जो एप्लीकेशन कॉपी किए थे इंस्टाग्राम को, तो यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते, ठीक है। ठीक है, एंटर कीवर्ड में मैंने इंस्टाग्राम, तो आपको करना है जो जिस भी एप्लीकेशन का जो रीनेम करना है, ठीक है, नाम, तो वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। या कोई एप्लीकेशन में कोई ऑप्शन है ऐसा जो आपका टॉकबैक नहीं बोल रहा है या बोल भी रहा है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता वो ऑप्शन, उस ऑप्शन का नाम, तो उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आगे सेलेक्ट करेंगे Replace with text box. Replace with, फिर से सुन लीजिए, Replace with text box. Replace with text box. तो इस पे क्लिक करना है अब। ओके, इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो डिलीट, ठीक है। तो कीबोर्ड ओपन हो चुका है, रिप्लेस विथ मतलब कि पहला एडिट बॉक्स एंटर कीवर्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे एप्लीकेशन या जो भी ऑप्शन है जिसको कस्टमाइज करना चाहते हो वो पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो है ये replace with text box. Replace with, मतलब यहाँ पे क्या कस्टमाइज करना चाहते हो, उस ऑप्शन का क्या नाम देना चाहते हो, आपका जिसको क्या बोलना चाहिए उसको, ठीक है, वो यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर देता, मैं टाइप नहीं करूँगा, टाइप करूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। चलो डोंट टच मी, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। Edit content Instagram replace with cancel, okay. देखो cancel but don't touch cancel don't Instagram edit content Instagram text box enter keyword. Enter keyword में Instagram लिख लिया है। Don't touch me text box editing replace with. ठीक है, enter यहाँ पे don't touch me text box editing replace with. Replace with पे डाला है मैंने don't touch me text box don't touch me. अब आपको क्या करना है आगे, cancel okay button okay add okay कर दिया। अब यहाँ पे फिर से आपका कर्सर add button पे जा चुका है, लेकिन अब ये कस्टमाइज हो चुका है। अब हम देखते हैं इंस्टाग्राम सच में कस्टमाइज हुआ। बैक बटन कस्टम लेप, बैक बटन रीडिंग सेटिंग, बैक बटन विजुअल प्लस, बैक बटन विजुअल प्लस, बैक बटन एक्सेसिबिलिटी, बैक बटन एडिशनल होम बटन सिस्टम लॉन्चर सेटिंग्स थ्री ऑन डोंट टच मी, देखो कैमरा डोंट टच मी हो गया, थ्री ऑन रेड फ्रॉम YouTube, YouTube के बाद मेरा इंस्टाग्राम था तो अब इंस्टाग्राम नहीं पढ़ रहा है, देखो डोंट टच मी, डोंट टच मी बोल रहा है इंस्टाग्राम को। अब इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं सच में, ऐप लॉक, एक मिनट, ऐप इज स्टार्टिंग, क्रिएट अ पोस्ट स्टोरी रील और लिव वीडियो, हो गया ना इंस्टाग्राम ओपन हो गया, डोंट टच मी होम फीड, देखो इंस्टाग्राम होम फीड जो बोल रहा था पहले, क्रिएट अ पोस्ट स्टोरी रील और लिव वीडियो बोल रहा है इंस्टाग्राम को, ठीक है। टर्न साउंड ऑन बटन Reels tab, search and explore selected home tab, 300 messages button. ठीक है, items from इसी तरह का आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी ऑप्शन को जो है कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, और गाइस मैं अच्छे से आपको समझा पाया या नहीं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो कर सकते हैं, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए अलग से समूह बनाए गए हैं, मेल के लिए अलग सा है, फीमेल्स के लिए अलग सा, तो आप लोग हमें अबाउट पेज से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जोड़ दिया जाएगा गाइस, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलता हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।